देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। अच्छा यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहे थे, बट लास्ट क्लास जो हम लोग का आधा अधूरा रह गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पूरा डिस्कस नहीं हुआ था। ठीक है, ये कैपिटल रेशियो वाला पॉइंट, तो वहीं से एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो कैपिटल रेशियो का क्या था, ये नॉर्मली हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाता है कि प्रॉफिट शेयर करना है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, या तो वो मतलब डीड में लिखा हुआ रहेगा। अगर कोई डीड बना हुआ है, दैट मीन कि अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है, चाहे ओरल हो चाहे वो रिटर्न, गुड इवनिंग। देखो तो कैपिटल रेशियो से भी ना कभी कभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ था, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि पार्टनर्स में एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द कैपिटल रेशियो। कभी कभी कैपिटल रेशियो में भी प्रॉफिट लॉस शेयर करने का वो लोग सोच सकते हैं, अगर कैपिटल हम लोग का फिक्स नेचर का है। मतलब कैपिटल में अगर हम लोगों ने किसी तरह का इंट्रोडक्शन या ड्रॉइंग्स नहीं किया है, मतलब बिजनेस के स्टार्टिंग में भी जितना कैपिटल लगाया था और एंड तक भी हमारा कैपिटल में कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है। मान लो कैपिटल 10,000 इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ था, अब इसके बीच में ना कोई ड्रॉइंग्स हुआ, ड्रॉइंग्स होने से ये कम हो था, ना तो कोई एडिशन हुआ, ठीक है, एडिशनल कैपिटल दिया गया तो ये ऐड हो जाता है, ऐसा कुछ इंपैक्ट नहीं आया, तो उसे हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ द गिवन कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स्ड रहा पूरे ईयर तक, तो उसी कैपिटल रेशियो में जो है, मतलब रेशियो तो तब होगा ना जब मोर देन वन डेटा होगा। ठीक है, तो दो पार्टनर तो मिनिमम होना ही चाहिए पार्टनरशिप में, तो फिर उस तरीके से रेशियो फाइंड आउट। जैसे मान लो दूसरे पार्टनर ने 15,000 दिया, ना तो उसने कोई पूरे ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में ना ड्रॉइंग्स ना एडिशन कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर रेशियो हो जाएगा 10:15, मतलब 330 मैंने आउट कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2:3। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपिटल इंट्रोडक्शन के बाद ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्रॉइंग्स या फिर कुछ एडिशन हुआ कैपिटल का, तो उसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अगर इन द मीन टाइम किसी तरह का विदड्रॉल हो रहा है या एडिशन हो रहा है, तब हमें कैसे कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। और उसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे उसे बोलेंगे वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो उसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, यहां से समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए एंड बी फॉर्मड ए पार्टनरशिप विद अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 30,000। 50 और 30,000 से इन्होंने स्टार्ट किया ऑन 1 जन 2019 को। द प्रॉफिट्स वेयर टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो। अब ये लोग सोच रहे हैं कि प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट करो कैपिटल रेशियो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब देखो ये ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इंट्रोडक्शन ए ने फर्दर किया है, इसका मतलब ये देखो दो जगह पे दिख रहा है, और विदड्रॉन भी किया है। सिमिलरली बी ने भी इंट्रोडक्शन किया है एज वेल एज विदड्रॉन किया है, यानी ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में रेशियो निकलेगा, यानी वेटेड एवरेज, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो जाएगा, ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोडक्शन एंड ड्रॉइंग्स हुआ है। तो इसका मतलब वेटेड एवरेज मेथड को यूज करके हम लोग को कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वही सीखेंगे कि वेटेड एवरेज मेथड से कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर ए, ठीक है, ये ए का ड्रॉ कर रहे हैं। ए ने सबसे पहले कितना इंट्रोडक्शन किया था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया है ए ने 50,000, ठीक है, 1 जन 2019 को। तो 1 जन 2019 को इंट्रोडक्शन किया 50,000। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने 31 मार्च को फिर से इंट्रोडक्शन किया, तो फिर यहाँ पर 31 मार्च लिखेंगे, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को फिर से इंट्रोडक्शन किया है
यहाँ पर 5000 इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। अच्छा उसके पहले यहाँ पर 1 जुलाई, अच्छा नहीं पहले तो 5000 ही आएगा हम लोग का, हाँ पहले तो मार्च आएगा उसके बाद जुलाई, ठीक है। सीक्वेंस में दिया, मुझे लगा सीक्वेंस में नहीं दिया है, 5000 जो है ऐड हो रहा है, 5000 ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट यहाँ पर अगर डेट वाइज जाए 31 मार्च में पहले ट्रांजेक्शन हमें नोट डाउन करना चाहिए, उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 1 जुलाई। 1 जुलाई का ए का क्या है, 1 जुलाई ए का कैपिटल विथड्रॉन है 3000। ये मतलब जैसे दिया है वैसे ही हमें देख के लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 जुलाई को विथड्रॉल। तो 1 जुलाई को विथड्रॉल दिखा देते हैं, यहाँ पर माइनस करके दिखाते हैं 3000। अच्छा 1 जुलाई के बाद कब हो रहा है ट्रांजैक्शन, 1 जुलाई के बाद 1 सितंबर फिर से ये देखो इंट्रोड्यूस किया है, मतलब एडिशन हुआ है 5500 1 सितंबर। और उसके बाद 1 सितंबर के बाद यहाँ पर 1 नवंबर को विथड्रॉन हुआ है 4500, 1 नवंबर को विथड्रॉन हुआ है 4500। और ये एंड कब होगा ईयर, अगर स्टार्टिंग 1 जनवरी को है तो एंड होगा 31 दिसंबर 2019 को। हम लोग को क्या करना है, कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें वेटेड एवरेज कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज कैपिटल कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। देखो पहले यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे यानी कि अमाउंट जो रुपीज में, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कितने दिन के लिए कितना कैपिटल यूज हो रहा है, तो मंथ फॉर विच कैपिटल यूज्ड, फिर यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट। तो कैपिटल कितना है ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 50000। ये कैसे होगा, जैसे नॉर्मली हम लोग बाकी केसेस में ड्राइंग्स वगैरह में मैंने तुम लोग को प्रोडक्ट मेथड सिखाया ना, प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, अमाउंट इनटू जितने ड्यूरेशन के लिए वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट मेथड से करने का मतलब ही है अमाउंट इनटू हमें टाइम पीरियड करना पड़ेगा। तो देखो जब ये अमाउंट 50000 डिपोजिट हुआ, उसके बाद ये 50000 कितना दिन यूज हुआ, 50000 हम लोग का यूज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि उसके बाद एडिशन होके वो 55000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 जनवरी से लेकर जैन फेब मार्च ये 3 मंथ्स के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर 3 मंथ्स लिख देते हैं, जितने दिन के लिए 50000 यूज हुआ, उसके बाद यूज होना स्टार्ट हो गया 55000, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने 5000 जो है डिपॉजिट किया और भी, तो कैपिटल हम लोग का एड ऑन होके हो गया है 55000। अभी 55000 कितने दिन यूज हो रहा है चेक करो, ये हो गया हम लोग का मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 मंथ्स हो रहा है। देखो ये जुलाई, लेकिन 1 जुलाई है तो हमें 31 मार्च कंप्लीटेड है, तो इसके बाद अप्रैल मई जून, ठीक है। जुलाई तो हम लोग का 1 जुलाई जो है ये तो हमारा स्टार्टिंग है, तो एंड तक हमें लेना पड़ेगा, तो ये भी हो गया 3 मंथ्स। उसके बाद यहां से लेके यहाँ जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर का जो है स्टार्टिंग है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 मंथ्स, तो ये अमाउंट 2 मंथ्स। अब ये अमाउंट कितना होगा बोल सकते हो, 50 में 5 ऐड हो गया 55, अब ये 3000 विथड्रॉल हो गया, तो अब कैपिटल कितना लिखना चाहिए, टाइम तो 2 मंथ्स लिखेंगे, कैपिटल कितना लिखना चाहिए बोलो, कैपिटल कितना लिखना चाहिए बताओ, 52000। अच्छा इसके बाद यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर फिर यहाँ पर ऐड हुआ है 5500। ये बोलो ये 2 ही तो होगा मैम, माइनस का अमाउंट मैम, माइनस 9000 होगा वो, 3000 नहीं। अच्छा एक मिनट, माइनस 9000, 50000, फिर 55, फिर 55 से 3 लेस हो गया 52, ये वाला गलत लिखा है ना मैंने,
4500 फर्स्ट नवंबर वाला, नहीं सही तो लिखा है, सही है वो फर्स्ट जुलाई वाला, फर्स्ट जुलाई वाला 3000 माइनस इसीलिए लिखा है क्योंकि विथड्रॉल हुआ है। ओ अच्छा मैम, हाँ मैम गलत देख रहा था, सॉरी मैम सॉरी मैम, 3000 विथड्रॉल हुआ है ना इसीलिए। अच्छा अब यहाँ पर फर्स्ट सितंबर से लेके ये फर्स्ट नवंबर तक कितना टाइम होगा ये बताओ, फर्स्ट सितंबर से लेके फर्स्ट नवंबर तक टाइम बताओ कितने दिन के लिए यूज हो रहा है। बोलो कितने दिन के लिए यूज हो रहा है फर्स्ट सितंबर से फर्स्ट नवंबर, टाइम ड्यूरेशन मैम 3 मंथ्स, थ्री नहीं टू होगा ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर का स्टार्टिंग हो गया ना, तो सितंबर पूरा फर्स्ट से 30th, फिर अक्टूबर पूरा, नवंबर तो पूरा नहीं हो रहा है एक तारीख तक है, अप टू वन तो 2 मंथ्स हो जाएगा ठीक है। ये वाला थोड़ा गलत हो जाता है कभी कभी क्योंकि वो एक तारीख है कि 30th या 31st जो भी होता है मंथ के अकॉर्डिंग, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर अमाउंट कितना लिखे, यहाँ तो एडिशन हुआ है तो 52,000 में एड कितना करेंगे, कितना हो जाएगा अमाउंट बताओ, 5500 ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा 57,500 ठीक है 57,500। अब ये वाला टाइम ड्यूरेशन बताओ नवंबर से लेके दिसंबर, बोलो फर्स्ट नवंबर से लेके 31st दिसंबर तक कितना दिन होगा, टाइम पीरियड बताओ। 2 मंथ्स करेक्ट, ये देखो नवंबर और दिसंबर, नवंबर पूरा एक से लेके 30th तक ठीक है, उसके बाद दिसंबर फर्स्ट से लेके 31st तक, अच्छा ये हो गया 2 मंथ्स। अब अमाउंट क्या हो जाएगा वो भी बताओ, 57,500 और ये माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद अमाउंट कितना होगा बोलो, 4,500 विथड्रॉल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ से 4,500 53,000 ठीक है। अब क्या करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हमेशा अमाउंट इनटू टाइम होता है ठीक है, तो अमाउंट इनटू टाइम 50,000 हम लोग 3 मंथ्स तक यूज किए यानी ये हो जाएगा 1,50,000 ठीक है, इसका मतलब यही होता है प्रैक्टिकली अगर देखें तो हमारे पास जैन में भी 50,000 था, फिर फेब में भी 50,000 था, फिर मार्च में भी 50,000 था, तो 50-50-50 ये 3 बार कोई डिपॉजिट नहीं हुआ है लेकिन उसका बेनिफिट हमें इस तरीके से मिल रहा है ठीक है। तो ऐसे करके फिर इसके बाद 55 into 3 तो 55 into 3 यानी 1,65,000, 52 into 2 तो 1,04,000 हो जाएगा, और 57,500 into 2 देखते हैं ये कितना होता है, 57,500 into 2 1,15,000 और 53 into 2 1,06,000 टोटल कर लेते हैं, टोटल करने से कितना आएगा देखते हैं, 1,50,000 प्लस 1,65,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,15,000 प्लस 1,06,000 तो ये हो जाएगा 6,40,000 ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज कैपिटल निकल गया, जैसे तुम लोग कभी अगर स्टैटिस्टिक्स किए हो, कभी ना कभी तो किए होगे ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अगर कभी किए हो तो वहां पर देख सकते हो वेटेड एवरेज जब तुम लोग निकालते हो तब कैसे निकालते हो, वेटेड एवरेज जब निकालते हो तो एक्स इंटू डब्ल्यू करते हो ना, मतलब हमें ऐसा डेटा दिया हुआ रहता है एक्स रिलेटेड डेटा फिर डब्ल्यू ठीक है, तो एक्स का वैल्यू मान लो 10, 12, 9, 6, 9 और यहाँ पर मान लो 15 ऐसा है, इसका वेट दिया हुआ रहता है, वेटेड एवरेज कैसे निकालते हो एक्स इंटू डब्ल्यू कर लेते हो ठीक है, एक्स इंटू डब्ल्यू यानी डब्ल्यू एक्स फिर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वेट कर देते हो। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग वेटेड एवरेज का मतलब यही हो गया, ये अमाउंट यानी कि एक्स के तरह काम करा इसका वेटेज, क्योंकि 50,000 हमारे पास 3 मंथ्स तक था मतलब इसका वैल्यू हमें 3 टाइम्स मिला इसीलिए मल्टीप्लाई होता है, लॉजिक बता रहे हैं। बाकी तो देखो तुम लोग को प्रोडक्ट बोलेगा तो अमाउंट इनटू टाइम करना पड़ेगा वो बात तो अलग है, लेकिन लॉजिक ये है कि हम लोग इसका यूज जो है 3 टाइम्स कर पा रहे हैं 50-50-50 ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अब यहाँ तो ए का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, सिमिलर तरीके से हम लोग बी का बनाएंगे, यहाँ पर बी का विथड्रॉल और ये, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
बी का भी सेम डेट में जो है हम लोग का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, 1 जन 19, उसके बाद 31 मार्च, क्योंकि डेट देखो सेम है, बस विदड्रॉल और जो हम लोग का डिपॉजिट है वो अलग हो रहा है, 1 जुलाई 1 सितंबर 1 नवंबर 1 जुलाई 1 सितंबर 1 नवंबर और 31 दिसंबर। अच्छा अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू बोला है। यहाँ पर बी का देखो, सबसे पहले 31 मार्च को विथड्रॉल है, तो 31 मार्च को विथड्रॉल है कितना, 2000। अच्छा इन्होंने कितना इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन्होंने इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्ट जब किया था बिजनेस तब कितने से स्टार्ट किया था, 30,000 से, तो ये वाला हो जाएगा 30,000, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर ये विथड्रॉल हो गया। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट डेट है 1 जुलाई 1 जुलाई को डिपॉजिट किया है 9,000, तो डिपॉजिट 9,000 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 सितंबर को विथड्रॉल 1,000, 1 सितंबर को विथड्रॉल है 1,000 और 1 नवंबर को विथड्रॉल है, सॉरी बी का है हम लोग का डिपॉजिट 4,000, ठीक है, तो डिपॉजिट है 4,000। अब टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि डेट एज इट इज है तो टाइम पीरियड वही होगा जो यहाँ पर है 33222, तो हम दोबारा से कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमें सेम क्वेश्चन में सेम डेट दे रखा है, तो बार बार कैलकुलेट करके क्या फायदा, सेम ही तो आंसर आएगा। यहाँ से यहाँ 3 मंथ्स होगा, डेट एक ही दिया हुआ है, बस एक के विथड्रॉल का डेट में दूसरे का डिपॉजिट दिया हुआ है, बस इतना सा ही चेंज किया है क्वेश्चन। ठीक है देखो नेक्स्ट यहाँ पर ये हो जाएगा 3 मंथ्स, फिर यहाँ पर 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सेम तरीके से, कैपिटल रुपीस टाइम, हम सिर्फ टाइम लिख दे रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट, तो टाइम है हम लोग का 33322, कैपिटल स्टार्टिंग में था हम लोग का 30,000, फिर 2,000 विथड्रॉल हुआ मतलब 28,000 हो गया, 28,000 के बाद 9,000 ऐड हुआ, तो कितना हो जाएगा, 9,000 ऐड होने से 37 होगा, ठीक है, एक बार देखो मेरा एडिशन गलत ना हो, 37, फिर यहाँ पर 1,000 लेस होगा 36, फिर 4,000 ऐड होगा 40,000। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा 90,000 प्रोडक्ट करने पे, 28 × 3 कितना हो जाता है 84, अच्छा ये हो जाएगा 37 × 3 101, नहीं 37 × ये 2 होगा, ये 2 होगा, गलत लिख दिया, ये 2 होगा, देख 33 ये 2 होगा, ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर भी देखो 2 ही है, वो मैंने बाय चांस गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर 2 होगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 74, ठीक है 74, और ये हो जाएगा 36 × 2 72 हो जाएगा 72,000 और ये 80,000। अच्छा अब ऐड करते हैं, ऐड करने से कितना होगा, ऐड करने से हम लोग का 90,000 90 + 84 +74 + 72 + 80 मतलब 400,000 मतलब 4 लाख, ठीक है, ये वेटेड एवरेज कैपिटल आ गया। अब रेशियो निकालना है तो कैपिटल रेशियो कितना हो जाएगा, कैपिटल रेशियो हो जाएगा A:B फॉर्मेट में निकालेंगे, देखो जब भी रेशियो होगा जिस पार्टनर का नाम आगे दिया हुआ है उसका पहले लिखते हैं, ठीक है, A:B, तो 6,40,000 और 4 लाख, 6,40,000 और 4 लाख, तो यहाँ पर इक्वल जीरो हटा देते हैं दोनों साइड से, तो यहाँ पर 4 × 0 यहाँ से 4 times यानी 64:40, तो ये अगर हम लोग कितने से डिवाइड करें, ये 8 से करते हैं, 8 5
तो देखो ऐसे हमें डायरेक्टली छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह के लिए दे सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग दे सकता है, बट नॉर्मली ये चीज हमें एक बड़े क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ पूछ सकता है, ठीक है, कि अगर इनका कैपिटल रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना प्रॉफिट, और कैपिटल रेशियो में अगर हमें बता दे रहा है कि कैपिटल इन मिडिल में जो है इंट्रोडक्शन और विथड्रॉल हुआ है, तब हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल अगर फिक्स्ड रहा तो जो कैपिटल फिक्स्ड दिख रहा है हमें क्वेश्चन में उसी का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये वाला इलस्ट्रेशन 5 देखो क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। दे हैड 1,60,000 रेस्पेक्टिवली देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 January 2019, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मतलब एक्चुअली कैपिटल कितना हो रहा है, जैसे कि ये इफेक्ट डाल दिया हम लोगों ने 50,000 थ्री मंथ से यूज हुआ, फिर एड करके 55, इस तरीके से दिखाया। इफेक्टिव का मतलब यही है कि इफेक्टिव कैपिटल हम लोग का हो रहा है 6,40,000, ठीक है, ये प्रोडक्ट करके जो आ रहा है। अब देखो दे हैड 1 लाख, पहले क्वार्टर 1 लाख और 60,000 था इनके कैपिटल अकाउंट में 1 January 2019। ए ने फिर फर्दर इंट्रोड्यूस किया है 10,000 1 April को एंड अनदर 5,000 ऑन 1 July, ऑन 30 September 2019 विथड्रू 40,000। मतलब यहाँ ए का विथड्रॉल और इंट्रोडक्शन अलग अलग डेट पे गिवन है। 1 July बी ने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर कैपिटल इतना, द पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, और इन्होंने कुछ विथड्रॉल भी किया है। ए ड्रू 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ इच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम January 2019, बी विथड्रू 1,000 ऑन 30 June एंड 5,000 ऑन 30 September। 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्जेबल। डेट ऑफ क्लोजिंग 31 December, कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो लास्ट दिन और आज तक अभी तक हम लोगों ने जो भी छोटा छोटा चीज सीखा है उस पर ही पूरा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। हमें तीन पॉइंट निकालना है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस पे निकलेगा, इफेक्टिव कैपिटल पे। इफेक्टिव कैपिटल पे मतलब डिपेंड ऑन द कैपिटल। कैपिटल पे दो ही तरह का हो सकता है, या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से या फ्लक्चुएटिंग। जब इंट्रोडक्शन और जो है एडिशन मिडिल में हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो इफेक्टिव कैपिटल यानी हमें जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करना पड़ेगा, यानी वेटेड एवरेज मेथड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग पहले कैपिटल निकालते हैं, तो पहले हम लोग पॉइंट एक आंसर करेंगे, उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ए का कैपिटल रुपीस यहां पर लिख देते हैं, म्यूट कर दो सारी। यहाँ पर मंथ यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस में कितना दिन वो कैपिटल यूज हो रहा है, फिर प्रोडक्ट। सेम तरीके से हम लोग ए और बी दोनों का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ए का भी और बी का भी। तो यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, पार्टनर ऐसे लिख देते हैं ए, फिर नीचे सेम कॉलम में हम लोग बी भी लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ए ने कितना कैपिटल दिया था, 1 लाख, ठीक है। तो हम लोग और ड्रॉ नहीं कर रहे, तुम लोग चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, हम लोग यहाँ पर रीड करके देख लेते हैं। देखो 1 लाख दिया है, उसके बाद ये बी का दिया हुआ है 60,000, तो एक काम करते हैं बी का भी लिख लेते हैं यहाँ पर, इतने जगह में हो जाएगा, बी का हो जाएगा 60,000। बी का देखो, बी का हो जाएगा हम लोग का 60,000 स्टार्टिंग में है,
अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, फिर इंट्रोड्यूस किया है तो 1 लाख में अगर 10,000 इंट्रोड्यूस हुआ तो 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम पीरियड भी लिख लेते हैं, देखो ये कैपिटल कब था, ये बोल रहा है 1 जनवरी था, उसके बाद नेक्स्ट 1 अप्रैल में इंट्रोड्यूस हुआ, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, पहले था 1 जनवरी 2019 में, उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ 1 अप्रैल 2019 में, तो 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक जो अमाउंट यानी कि 1 लाख जो यूज हुआ वो कितने टाइम पीरियड के लिए हुआ, बोलो यहाँ से काउंट करके बता दो, 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक टाइम पीरियड बता, वही तो निकालना पड़ेगा इफेक्टिव कैपिटल के लिए, बोलो कितना हो रहा है 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक, इंट्रोडक्शन हो गया तो 1,10,000 हो गया, और फिर बोल रहा है एंड अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई, फिर 1 जुलाई को फिर से 5,000 इंट्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ, तो यानी 1 लाख था तो 1 लाख जो है वो यूज हुआ है हम लोग का 3 मंथ्स, ठीक है, फिर 1 लाख में 10,000 ऐड होके 1,10,000 यहाँ से लेके यहाँ तक यूज होगा, जब तक दूसरा एडिशन डिविशन नहीं होता है तब तक अमाउंट सेम है, तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम पीरियड हो रहा है बोलो, 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई, बोलो ये बोलते वक्त गलत हो जाता है इसलिए हम पूछ रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई टाइम बताओ, 3 मंथ्स, हाँ फिर से 3 मंथ्स ही होगा, तो यहाँ पर 3 मंथ्स लिखेंगे। अच्छा नेक्स्ट बोला है देखो अनदर 5,000, फिर नेक्स्ट 5,000 जो है ऐड हुआ है 1 जुलाई को, अच्छा अब ये 5,000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,15,000, ठीक है, 1 जुलाई को ऐड तो हुआ है, अब ये 1 जुलाई से लेके कितना दिन यूज हुआ वो देखते हैं, बोल रहे हैं कि 30 सितंबर को विदड्रॉल हुआ है, मतलब 30 सितंबर तक एज इट इज था, तो अप टू 30 सितंबर तक बोलो कितना टाइम होता है, अभी विदड्रॉल हुआ है 3 मंथ्स, हाँ तो 3 मंथ्स फिर से यहाँ पर, और ये विदड्रॉल होने के बाद कितना हो जाएगा, 1,15,000 में 40,000 विदड्रॉल होने से कितना बचेगा, 75। अच्छा अब ये तो पूरे ईयर एंड तक जाएगा, इसके बाद और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, और कुछ विथड्रॉल वगैरह नहीं बोला था ना तो एडिशन बोला था, बी के बारे में बोल रहा है, तो ये 30 सितंबर हो गया, इसके बाद ईयर एंड कब होता है ये देखो 31 दिसंबर, तो ये जो अमाउंट हुआ डिडक्ट होने के बाद ये 31 दिसंबर तक एज इट इज था 31 दिसंबर 2019, तो 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक कितना टाइम होता है बोलो, 3 मंथ्स, फिर से 3 मंथ्स, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 3,30,000, अच्छा 115 into 3, ये हो गया 3 लाख, हाँ बोलो 2,25,000, अच्छा टोटल कितना हो रहा है देखो, टोटल कितना हो रहा है 3,00,000, 6,30,000, 6 और 3, 9,30,000, 9,75,000 हो जाएगा 1 लाख, 9 और 2, 19, 11, 12 लाख हो जाएगा, ठीक है 12 लाख हो गया। सेम तरीके से हम लोग बी का भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बी का देखो क्या बोला है, बी का सबसे पहले कैपिटल रहा 60,000 1 जनवरी, ठीक है, तो बी का 1 जनवरी को 60,000 था, उसके बाद नेक्स्ट देखो बोल रहा है 1 जुलाई को बी ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड किया 30,000, तो 60,000 में 30,000 ऐड होके कितना हो गया 90,000, और ये एडिशन कब हुआ, ये एडिशन हुआ है 1 जुलाई, मतलब बी का अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखो ड्रॉ करने से क्या होता है तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ इसका था 60,000 बी का, ठीक है, फिर फर्दर इसका 1 जुलाई को जो है चेंजेस हुआ, एडिशन हुआ 30,000, और उसके बाद बी का कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं हुआ, यानी 31 दिसंबर तक एज इट इज रहा, तो यहां से यहां कितना टाइम, यहां से यहां कितना टाइम, ये बताओ बोलो, कैपिटल रेशियो निकल जाएगा इसके बाद, यहां से यहां टाइम पीरियड बता दो, और ये वाला 6 मंथ, हाँ पहला 6 मंथ, उसके बाद
जुलाई से लेकर दिसंबर 6 months, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,40,000, ठीक है। तो ऐड करने से कितना हो जाएगा, 9 lakh, ऐड करने से हो गया 9 lakh, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल रेशियो निकल जाएगा, रेशियो कर बस ये जो दो वैल्यूज आए इसके रेशियो कर यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल रेशियो। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कैपिटल रेशियो ए इज टू बी, ए का है 12 lakh और बी का है 9 lakh, तो 12:9 इसको सिंप्लीफाई करने से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12, 3 3 9, 4:3 हो गया। अभी अभी हम लोगों ने जो सीखा यहाँ पर एग्जांपल में उसी का एक क्वेश्चन भी हमें मिल गया। नेक्स्ट बोला है यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया जो कि कैपिटल रेशियो था, क्योंकि इन्होंने सोचा कि कैपिटल रेशियो में ये अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा ये बताने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा, पॉइंट बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट मेथड से ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं 12 lakh और यहां पर हो रहा है 9 lakh, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा ये देखो, 12 lakh इंटू यहाँ पर जितना परसेंटेज इंटरेस्ट बोला है, ये देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, तो 12% हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 1/12 हो जाएगा। देखो ये लॉजिक तुम लोग भूल गए हो कि नहीं, हम देख लेते एक बार, तुम लोग को याद दिलाते। देखो अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड में करते हैं, यही वाले जैम बोर्ड में मुझे मिल जाएगा, ये देखो लास्ट फर्स्ट क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में नहीं, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जब ये वाला किया था, ये देखो यहाँ पर कैपिटल का इंटरेस्ट हम लोग इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, 1 lakh कैपिटल, फिर 30,000 इंट्रोडक्शन हुआ, फिर 20,000 इंट्रोडक्शन हुआ, तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते थे। जैसे कि 1 lakh का यूज हुआ 12 months, फिर मैंने बोला कि 30,000 का 6 months, उसके बाद 20,000 का 2 months, इस तरीके से निकालोगे तो जो आंसर आएगा, अगर हम लोग इसको मतलब प्रोडक्ट मेथड में ट्रांसफर कर लेते, लाइक 1 lakh इंटू 12, 30,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 2, ठीक है, ऐसे करने से 14,20,000 आ गया। अगर हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट कर ही रहे हैं, यानी अमाउंट इंटू अगर हम लोग टाइम पीरियड कर रहे हैं, तो बाकी बचा क्या, इंटू करने के लिए रेट और डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि कॉमन लेने से मैथमेटिकली वही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दिखाया था, तो अभी देखो क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट कर चुके हैं, तो क्या दोबारा हम लोग इसे कैलकुलेट करें, वो तो टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसी का यूज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर 1/12 कर, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड मतलब ऑलरेडी अमाउंट इनटू टाइम हो चुका है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हम लोग का कैलकुलेट करने पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 12% by 12 कैंसिल आउट, 2 0 हट जाएगा, यानी ये 12,000 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 9 lakh इंटू 12% इंटू 1/12, तो ये हो जाएगा 9,000, ठीक है। अब ये मेथड, अब ये अगर हम लोग इंडिविजुअली करें, दोनों में कोई फर्क नहीं, वो बी से एग्जांपल देके दिखाते, क्योंकि ए में तो बहुत सारा चीज करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। जैसे देखो अगर तुम लोग ऐसे करते हो, 60,000 इंटू 12% इंटू 6/12, क्योंकि 60,000 से 6 months यूज हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे 100, ये हो जाएगा हम लोग का 3600, चेक करके देखो, ठीक है। और 90,000 कितना दिन यूज हुआ, 12% इंटू 6/12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5400, टोटल करो 9,000 हुआ। सेम बात ही है, अगर तुम लोग 60,000 इंटू 12% इंटू 6/12 करते हो, 90,000 इंटू 12% इंटू 6/12 करते हो, तो भी तुम लोग का जो आंसर आएगा, अगर तुम लोग इसको इस तरीके से टोटल जो वैल्यू है 9 lakh ले लोगे, क्योंकि देखो ये क्यों ऐसे पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज 60,000 इंटू 6 करने से 3,60,000 और 90,000 इंटू 6 करने पे कितना होगा, 5,40,000, तो बचा क्या, अगर हम लोग ये दोनों को टोटल करते हैं तो कॉमन में हमारा 12% इंटू कितना जाएगा, 1/12, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 60,000 इंटू 6 और प्लस 90,000 इंटू 6, यानी दोनों को ऐड करके 9 lakh ही आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी एक तरीका है, कैसे कर सकते हो वो भी देख लो। यहाँ पर 6 lakh जो 60,000 जो है वो हम लोग का कितना दिन यूज हुआ, 12 months, ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि 60,000 हम लोग 12 months यूज किए, क्यों हम बता रहे हैं, देखो 60,000 इंटू 12%
इंटू 12/12, ठीक है, ऐसा हम दिखा देते हैं। और ये जो 90,000 इंट्रोडक्शन हुआ वो हम लोग का कब हुआ, वो हम लोग का हो रहा है यहाँ पर, ये कब इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पर देखते हैं, 1 जुलाई को, ठीक है, तो 1 जुलाई को ये इंट्रोडक्शन हुआ, तो 1 जुलाई को 30,000, इसे 30,000 लेना पड़ेगा, फिर 12% इंटू 6/12, अब देखो कितना आ रहा है, 12 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 7200 और ये हो जाएगा 1800, देखो 9000, ऐसे भी हो जाएगा। अगर तुम लोग ऐसे दिखाते हो कि 60,000 पूरा 12 मंथ यूज हुआ और 30,000 बाकी 6 मंथ यूज हुआ, क्योंकि 30,000 का एडिशन था 1 जुलाई, जैसे तुम लोग करना चाहो। ये देखो 20 से मैंने इसलिए समझाया, इसमें कम डेटा था, यहाँ पर 1 जन 19 में 60,000 था, फिर 1 जुलाई 19 को 30,000 इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि 60,000 6 मंथ, फिर 60 + 30 = 90 अगेन 6 मंथ, ये एक ऑप्शन है, अदरवाइज 60,000 12 मंथ एंड 30,000 6 मंथ, ये दूसरा ऑप्शन है, दोनों से सेम आंसर आएगा। एक तो ऐसे इंडिविजुअली कर सकते हैं, या फिर ये यूज्ड कैपिटल को निकाल लो, मतलब प्रोडक्ट कर लो, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाओ, लेकिन तब ये ध्यान रखना है, तब हमें 1/12 करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली देखो वो 1/12 भी आ रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का ऐसे ऊपर, तुम लोग जिस भी तरह से कैलकुलेट कर लो सेम आंसर आएगा, मैंने तीन तरीके से बता दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स का पैटर्न देखना पड़ता है, किसने किस तरीके से ड्रॉइंग्स किया है, तो ए ने ड्रॉ किया है 1000 पर मंथ, हर मंथ 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ इच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जैन, हर मंथ के एंड में, ठीक है, तो एंड ऑफ द मंथ में इसने 1000 करके लगातार ड्रॉ करता गया 31 दिसंबर तक, ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से इसका इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि ड्रॉइंग्स इक्वल है तो हम लोग फैक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और देखो लास्ट दिन ही मैंने तुम लोग को सिखाया था कि फैक्टर को कैसे यूज किया जाता है, और उसका मैंने डिटेल्स भी दिखाया था, जो एग्जाम के लिए तो जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए ऑब्वियसली जरूरी है। अगर हम लोग का एंड ऑफ द मंथ में, ये देखो एंड ऑफ द मंथ में अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो 5.5 होगा फैक्टर, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू 5.5, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, और ये 5.5 कैसे आया था वो मैंने लास्ट दिन ये देखो तुम लोग को यहाँ पर पूरा समझा दिया था कैलकुलेट करके कि कैसे आया। अब एंड में बोला है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है फैक्टर अगर हम लोग का इक्वल ड्रॉइंग हो। अब इक्वल ड्रॉइंग है कैसे पता चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन में बोला है कि 1000 पर मंथ, तो इक्वली हर मंथ 1000, तो क्या है फॉर्मूला, ये हो जाएगा अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ड्रॉइंग्स का 10% इनटू फैक्टर 5.5, तो कितना हो रहा है 1000 इनटू 10% इनटू 5.5, 550 आ रहा है, और बी का कितना आ जाएगा, बी कैसे विथड्रॉल कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा, बी का विथड्रॉल क्या है 1000 ऑन 30th जून एंड 5000 ऑन 30th सितंबर, तो इस पे फैक्टर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ पर एक जैसा ड्रॉइंग हो ही नहीं रहा है कि 1000 पर मंथ, यहाँ पर 1000 ड्रॉ हुआ है 30th जून को, उसके बाद 5000 ड्रॉ हुआ है 30th सितंबर को, तो हम लोग नॉर्मली जैसे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लगाते वैसे लगाएंगे, ठीक है, तो 1000 अगर 30th जून को हुआ है तो 1000 अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, अगर 30th जून को ड्रॉ हुआ है तो इंटरेस्ट कब तक का लगेगा, 30th जून से लेके 31st दिसंबर तक का, ठीक है, ये देखो 31st दिसंबर मैंने बताया भी था पहले ही, देखो कल ही तो बताया था, ये देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है अमाउंट से लेके, ये देखो क्या बोला था मैंने, टाइम का मतलब जितने टाइम तक वो अमाउंट यूज हो रहा है, यानी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू एंड ऑफ द ईयर, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स से लेके एंड ऑफ द ईयर, वही हमें टाइम ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग है 30th जून उससे लेके एंड ऑफ द ईयर तक, तो कितना टाइम ड्यूरेशन हो रहा है 30th जून से लेके 31st दिसंबर, तो जून तो खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/12, देखते हैं कितना आता है, 1000 ये 2 हो जाएगा 5%, मतलब 50 रुपीज आ रहा है, ठीक है, और एक बार विथड्रॉ किया है बी ने,
और एक बार विथड्रॉ किया है 5030 सितंबर को, ठीक है। तो ये ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट होगा और एक होगा कॉमा देके लिख देते हैं 5000 10% करके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर 30th सितंबर को विथड्रॉल हुआ है तो 30th सितंबर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक जो है टाइम पीरियड आ रहा है उसका जितना टाइम हो रहा है उतने टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोलो यहां से लेके यहाँ कितना टाइम हो रहा है बताओ, सेप्टेम्बर एंड से लेके दिसंबर एंड तक टाइम ड्यूरेशन बताओ कितना हो रहा है? थ्री मंथ्स। तो हम लोग 3 months पे इंटरेस्ट यहाँ पर लगाएंगे, ये देखो 3/12, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5000 इंटू 10% इंटू 3/12, 3/12 यानी 4 हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया 125, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट बी के केस में हो जाएगा, टोटल यहाँ पर लिख देते 125 और 50 यानी 175, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग अगर सोचोगे कि क्या हम लोग ए का इंटरेस्ट इस तरीके से इंडिविजुअली करके नहीं कर पाते, हाँ जरूर कर पाओगे लेकिन वो तो काफी टाइम लगेगा। ये देखो ऐसे करके फिर करना पड़ेगा 1000 इंटू 10% इंटू 12/12, फिर 1000 इंटू 10% इंटू 10/12, 11/12, ऐसे करते करते तुम लोग को एंड जाना पड़ेगा 1/12 तक, क्योंकि हर मंथ उसने विथड्रॉ किया है। ये देखो 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा अगर एंड ऑफ ईच मंथ है तो 31st जैन से लेके पहला विथड्रॉल होगा 31st जैन से लेके 31st दिसंबर तक, यानी ये 11/12 हो जाएगा। ऐसे करके तुम लोगों को 1/12 तक लिखते जाना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन होगा। यही तो मैंने सिखाया था कि फैक्टर का यूज कैसे करना है, क्यों करना है, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बार बार क्या इतना बार लिखोगे, इसीलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 550, ये ऐसे ही करना चाहिए और ये 175, ठीक है। तो देखो जो भी हम लोगों ने कल सीखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं कुछ दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें। यहाँ पर दिखा रहा है देखो ये क्या क्वेश्चन बोला, इसमें हमें ना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखते हैं क्या बोला है। राम एंड रहीम स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000-30,000 ऑन 1st जैन। रहीम इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट। अच्छा तो इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। ड्यूरिंग द ईयर राम विथड्रू 8,000 एंड रहीम विथड्रू 10,000। इन्होंने ड्रॉइंग्स भी किया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग फॉर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड केम टू 30,000। बोल रहा है प्रॉफिट जो है बिफोर अलाउइंग फॉर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा ना कि सैलरी देना है, इंटरेस्ट देना है, तभी तो दिया जा रहा है, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब डीड बना हुआ है, तो बोल रहा है डीड में जो भी लिखा हुआ है वो सारे चीजों को एप्लीकेबल करने के पहले ही इनका प्रॉफिट आ रखा है 30,000। मतलब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो है 30,000 का प्रॉफिट है, ये बिफोर Any expenses paid, ये 30,000 है। Assuming the capital to be fixed, capital fixed है, prepare the profit and loss appropriation account and the capital and current account। ये तो देखो मैंने पहले दिन ही बताया था कि अगर हम लोगों का फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो दो अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करेंट अकाउंट बनेगा, और इसके साथ साथ हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी बोला गया है, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है? ताकि हम लोग ये दिखा पाए कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ उससे पार्टनर लोगों को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। अगर पार्टनर को कुछ पे करना है तो वो पीएल एप्रो में दिखाता है, चाहे पार्टनर को सैलरी देना हो, रेमुनरेशन देना हो, कमीशन देना हो, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा। प्रॉफिट तो होता ही है, वो तो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी हम लोग पार्टनर को पे कर रहे हैं तो उसके लिए जो अकाउंट दिखाया जाता है दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन। पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ एक्सपेंसेस प्रॉफिट का हिस्सा पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ये क्यों बनेगा? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल एजम्पशन लेने के लिए बोला है कि अपने कैपिटल को जो है फिक्स्ड रखते हैं, उसमें कुछ एडिशन डिलीशन नहीं करते हैं। तो फिक्स्ड अगर कैपिटल रखेंगे तो कैपिटल अकाउंट सेपरेट होगा और बिजनेस के ट्रांजैक्शन के वजह से पार्टनर लोगों का कैपिटल में जो भी इंपैक्ट आएगा वो करंट अकाउंट में दिखाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। PL Appro
तुम लोग जब भी करोगे ना तो इन द बुक्स ऑफ जो पार्टनरशिप फर्म का नाम है, इन द बुक्स ऑफ राम रहीम, ये सब लिख लोगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करेंगे, जैसे जीपी ब्रॉड डाउन होता है पीएल में, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट भी ना तुम लोग पूरा लिख लेना, ठीक है? बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है परफेक्टली, बाय पीएल अकाउंट हाइफिन देके नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इनका आया 30,000, ठीक है? इसके बाद इससे इनको पे करना है, क्या क्या पे करना है? सबसे पहले रहीम को मिलेगा सैलरी 400 पर मंथ, तो रहीम के कैपिटल में जाके एड हो जाएगा, ठीक है? पार्टनर लोगों को जो भी कुछ पेमेंट होता है वो उनके कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। जैसे बैंक अगर हमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह देता है तो क्या करता है, हमारे अकाउंट में दे देता है ना, तो वैसे ही पार्टनर लोगों का जो भी कुछ पेमेंट या फिर उनको अगर कुछ रिसीव होता है तो वो उनके कैपिटल में ऐड होता है। तो अगर कैपिटल में ऐड हो रहा है क्योंकि ये इनकम है रहीम के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू रहीम्स कैपिटल। कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, जब भी कुछ अर्निंग होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। जैसे इंडिविजुअल बिजनेस में नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है क्योंकि कैपिटल बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है? वैसे ही। अच्छा, सैलरी कितना लिखना चाहिए, क्या हम 400 लिखते या फिर कुछ और लिखना पड़ेगा, बताओ कितना लिखे सैलरी, 400 लिखे या कुछ और? हाँ बोलो, 400 into 12, 400 into 12, ठीक है। देखो, PL appropriation तो पूरे 1 year का बनता है, तो 400 into 12 यानी 4,800। रहीम को इतना सैलरी देंगे, अच्छा, और क्या बोला है, इंटरेस्ट इन अलाउड ऑन कैपिटल्स एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग 6% पर annum, अच्छा, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा और ड्रॉइंग्स करने पे इंटरेस्ट लिया जाएगा और दोनों ही 6% है, ठीक है? तो अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे तो पार्टनर लोगों का अर्निंग है तो उनका कैपिटल फिर से क्रेडिट होगा, टू राम्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा देंगे, हम थोड़ा सा ज्यादा जगह रख रहे हैं, टू रहीम्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा हाँ, एक पॉइंट है, ये कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? ये करेंट अकाउंट होगा, समझाते हैं, क्योंकि ये सबका रिसीव कैपिटल को इंपैक्ट नहीं करेगा, कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसीलिए अगर हम लोग ये सब डेटा करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, क्योंकि हम लोग करेंट अकाउंट में ये सारे ट्रांजेक्शन को दिखाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, करेंट अकाउंट, ठीक है? नॉर्मली तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से करते हैं जब हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर हमें बोल दे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना है, यानी कैपिटल को किसी भी तरीके से हम लोग उसे मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो ये सब जो भी रिसीव होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, देखो सैलरी हो, रेमुनरेशन हो, कमीशन हो, जो भी हो, वो हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, करेंट अकाउंट में। तो ऑब्वियसली, तो यहाँ पर जब हम लोग अमाउंट रिसीव कर रहे हैं पार्टनर लोग, तो वो करेंट अकाउंट में दिखाएगा, रहीम्स करेंट अकाउंट, राम्स करेंट अकाउंट, और यहाँ पर भी रहीम्स करेंट अकाउंट, बस कैपिटल की जगह करेंट लिखो। अगर कैपिटल लिख दोगे तो पोस्टिंग तो कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा ना, क्रॉस पोस्टिंग, तब तो फिर कैपिटल इंपैक्ट हो जाएगा। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो हमें ये सारे चीज करेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा। अब ये है कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है, ये तुम लोग को बताना है। देखो कैपिटल कितना है, 50,000, 30,000, कैपिटल का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहां पर 50,000 और यहां पर 30,000, मतलब इसमें कोई चेंजेस करना ही नहीं है, बोल ही दिया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड रखना है, जितने से स्टार्ट किया उतना ही रहेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कितना होगा, 6%, परसेंटेज भी लगा देते हैं 6%। अच्छा, कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा बताओ, कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? 1 जनवरी से बिजनेस में इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और ईयर एंड होगा 1 जनवरी, अगर स्टार्टिंग है तो फिर इम्प्लाइड हो गया 31 दिसंबर को ही होगा, तो मुझे बोलो कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा इन्हें, बता। मैम 12 महीने का। हाँ सही, 12 months का, 12 months का मिलेगा, 12 by 12 या फिर 1 year, 12 by 12 या फिर 1 year, जैसा लिखना चाहो। तो 6% मतलब ये हो गया हम लोग का 30,000, यहाँ पर 6%, ये 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 18,000 होगा कि 1800 होगा, 30,000 into 6%, 1800। अच्छा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको रिसीव होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनको पे करना पड़ेगा। तो बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किधर लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में? ये तो डेबिट साइड है, मतलब लेजर का डेबिट साइड है, लेकिन एंट्री क्या होता है? एंट्री छोड़ो, कंसेप्ट सोचो। अगर इनकम है तो कैपिटल बढ़ेगा और अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल डिडक्ट हो जाएगा पार्टनर लोगों का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो पार्टनर पे करेगा बिजनेस में, तो फिर वो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा या बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो करेंट अकाउंट से लिखना पड़ेगा ना, तो वही हम पूछ रहे हैं। बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? बाई साइड में होगा ना। ड्रॉइंग्स करने का मतलब क्या है? पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है। अब रूल्स लगा हुआ है भाई, विथड्रॉल कर क्यों रूल्स लगा है? नहीं तो कोई भी आएगा बोलेगा मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, कोई भी मतलब ये दोनों में से राम और नहीं बोलेगा मैंने, मेरा ही तो पैसा है, विथड्रॉल कर लेते। लेकिन अगर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आप ले लो पैसा, लेकिन जब रिटर्न करोगे तो विथ इंटरेस्ट के साथ करो, तो फिर क्या होगा ना, एक जो है मतलब कंट्रोल रहता है, इसीलिए किया जाता है। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे बाई राम्स करेंट अकाउंट, राम्स करेंट अकाउंट, ठीक है। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सेम तरीके से बाय रहीम्स करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा, कितना कितना विथड्रॉल है देखते हैं पहले। प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट जो बचेगा वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। राम विथड्रॉ 8,000, मतलब पूरे ईयर में सिर्फ 8,000 विथड्रॉल किया है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर 8,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और रहीम ने विथड्रॉ किया है 10,000, तो इनको 10,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट वही है जो कैपिटल का है, यानी 6% ही अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कितना हमें लगाना पड़ेगा वैल्यू? अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, नॉर्मली कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 12x12 लगा सकते हैं, लेकिन ड्रॉइंग्स का ना अपना एक पैटर्न होता है, या तो ड्रॉइंग्स में पर्टिकुलर कोई डेट दे दे, जैसे देखो यहाँ दिया था, ये तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एक का ड्रॉइंग्स कैसे बोला था कि ईच ईयर के ईच मंथ के एंड में, ठीक है। या फिर क्या और क्या ऑप्शन हो सकता है अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है? तो देखो हम लोगों ने क्या क्या फैक्टर सीखा था, उतने सारे पैटर्न में हो सकता है, जैसे कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एज वेल एज मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर भी हो सकता है। मैंने लिखवाया नहीं, भूल गए, कोई बात नहीं, तुम लोग खुद से भी करके देख सकते हो। या फिर कुछ पर्टिकुलर डेट पे ड्रॉ हो सकता है, जैसे कि यहाँ बोला था, ये देखो बी के केस में एक बार बोला जुलाई में, ऐसा कुछ बोला था एक बार जुलाई में, और एक बार शायद अक्टूबर, ऐसा कुछ बोला गया था, ठीक है। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं बताएगा तो ड्रॉइंग्स का रूल्स क्या है? अगर पर्टिकुलर कोई डेट होता बी के तरह तो वो क्वेश्चन में ऑब्वियसली मेंशन होता, लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब कुछ तो पैटर्न होगा, या तो बिगिनिंग ऑफ मंथ, या तो एंड ऑफ मंथ, या मिडिल ऑफ मंथ, या फिर क्वार्टर, कुछ भी होगा। लेकिन जब हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक रूल्स अप्लाई करना पड़ता है, क्या करना है? हम लोग मानेंगे कि हमेशा मिडिल ऑफ द मंथ में ड्रॉ हुआ है, ये देखो, मतलब सिक्स जो है ये हमें फॉलो करना है। मतलब एक्चुअली देखो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, फैक्टर्स का जरूरत नहीं, हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे, जब हमें कोई भी पर्टिकुलर डेट पैटर्न कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इसको हमेशा 6x12 लगाएंगे। अब 6x12 का मतलब क्या है? 6x12 का मतलब है कि हम लोग 6 months का इंटरेस्ट लगा रहे हैं। क्यों? हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ईयर के स्टार्टिंग से ही उन्होंने ड्रॉ किया, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि 9-10 months बाद जाके विथड्रॉल किया, हम लोग एक कॉमन पॉइंट में आ रहे हैं। कॉमन पॉइंट क्या होता है? मिडिल पॉइंट, ठीक है। ना तो 12 months, ना तो 12 months, ना तो 1 month, 2 months, ठीक है, ये 6 months, ठीक है, मिडिल वाला डेटा, एवरेज, बेसिकली क्या कर दिया? एवरेज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ना तो हम लोगों ने ऐसा लिया कि बिगिनिंग में ही विथड्रॉल हो रहा है, ना तो ऐसा लिया कि एंड में विथड्रॉल हुआ है। कुछ भी अगर नहीं बोला हुआ है तो हमेशा ड्रॉइंग्स को हमें 6 months के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को, ठीक है, ये रूल्स है। तो ये वाला तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर डेट दे दिया, ठीक है, तो फिर डेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, जैसे बी का किया। अगर कुछ पैटर्न बता दिया तो फैक्टर का यूज करके कैलकुलेट करोगे, अगर कुछ नहीं बताएगा तो इंटरेस्ट हमेशा हमें 6 months का देना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा 6 months का। ऐसा ना डेप्रिसिएशन में भी होता है, कब
एसेट परचेज हुआ वो अगर हमें नहीं बोला हुआ है तो हम लोग ये भी नहीं मान सकते कि एकदम स्टार्टिंग में परचेज हुआ, ये भी नहीं मान सकते एकदम एंड में परचेज हुआ. हम लोग फिर क्या मानेंगे, ना स्टार्टिंग में ना एंड में, चलो मिडिल वाला, ठीक है, यानी सिक्स मंथ्स. ये डेप्रिसिएशन में भी अप्लाई होता है, तो यहाँ भी अप्लाई इस तरीके से होगा. अच्छा अब देखो कितना होता है, 8000 मैम मोटा 3000 होगा ना, कौन सा बोल रहा था 30000 लिखा था, लेकिन 3000 हो गया. ओ अच्छा हाँ इतना छोर पर से 30 है, 3000 हाँ ये वाला 3000 करो. देखो मैंने 30000 लिख दिया है, गलत लिखा है ना, ये वाला 3000 करो. अच्छा ये कैलकुलेट कर ले, 8000 इंटू 6% इंटू 8000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 2 यानी 240. तो ये राम का, मुझे लगता है मैंने कैपिटल उल्टा लिख दिया, राम का है 50000, रहीम का है 30000, ओ ये ड्रॉइंग्स है सॉरी. राम विथड्रू 8000, रहीम विथड्रू 10000. अच्छा हाँ ठीक लिखा है. हाँ तो ये हम लोग का आ जा रहा है कितना, 240, और ये हम लोग का आ जाएगा 300, ठीक है. अच्छा अब और तो कुछ नहीं था, अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 राम्स करेंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2 रहीम्स करेंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट. कितना करके प्रॉफिट शेयर हो रहा है, उसके लिए तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है. पहले यहाँ इनकम देखेंगे. देखो ये किसका इनकम है, फर्म का इनकम है. फर्म का 30000 प्रॉफिट हुआ था, ठीक है. ये देखो फर्म का 30000 प्रॉफिट हुआ था, फिर 240 इंटरेस्ट से अर्निंग हुआ. पार्टनर लोगों ने ड्रॉ किया तो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया बिजनेस में, तो 30540 टोटल जो है इनकम हुआ, 30540. इसमें से पे ऑफ करना पड़ा कितना, 3000 और ये 4000, 437 और 8000, 9600 हो रहा है, 9600. ये 9600 एक्सपेंस पे करने के बाद प्रॉफिट बच रहा है 20940, ठीक है. तो यहां पर लिख देते हैं 20,940 टोटल करने पे आ जाएगा 30,540. ये तो बैलेंस करके आया, और यहाँ पर हम शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख देते हैं 20,940 इंटू 1/2, और 20,940 इंटू 1/2. 1/2 इसीलिए क्योंकि बोला है इक्वली डिवाइड कर देगा. 10,470 लिख लेते हैं, 10,470. तुम लोग चाहो तो आउटर कॉलम में भी उसे लिख सकते हो, तब फिर ये लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है. दोनों में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं. तो ये बन गया इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों चीज बनेगा. फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि प्रॉफिट कितना था, 10,000 प्रॉफिट है, 10,470 दोनों का. ओके ठीक है. अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक ही लाइन का बनेगा क्योंकि उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, एडिशन डिलीशन, ठीक है. जैसा कैपिटल था वैसा ही रहेगा, शुरू में जैसा था एंड में भी वैसा ही हो रहा है. राम और यहाँ पर लिख देते हैं रहीम, पर्टिकुलर्स राम रहीम. अच्छा इन्होंने बिजनेस में इंट्रोडक्शन किया था, ये देखो स्टार्ट बिजनेस, तो फिर कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल लिखना पड़ेगा. तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई बैंक. तो अगर डेट देना चाहो तो दे सकते हो, डेट का कॉलम तो मैंने बनाया है नहीं, ठीक है. तुम लोग अगर बनाए हो तो दे दो, 1st जन 19 को बाय बैंक.
50,000 और 30,000, क्योंकि बोला है फिक्स्ड कैपिटल रखो, कुछ चेंज मत करो। तो यहाँ पर लिख देंगे 31st of December 2019 को टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल 50,000 और 30,000 क्लोज कर दो। यहाँ पर भी 50,000 30,000 हो गया। और हम लोग बनाएंगे करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, इसका तो कुछ ओपनिंग बैलेंस है नहीं, ठीक है। करेंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे, पूरे ईयर में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ जिसके वजह से पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट या डेबिट हुआ अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन, वही हमें लिखना है, बेसिकली क्रॉस पोस्टिंग। तो देखो हम वही बता रहे थे, अगर तुम लोग गलती से यहाँ कैपिटल लिख देते हो, कब गलत होगा, जब हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करने बोला है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग तो फिर कैपिटल अकाउंट में ही चला जाएगा ना बाय पीएल अप्रूवल के, बट हमें तो वो करना है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें बोल दिया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करो। तो यहां पर लिखते हैं बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, फर्स्ट आ जाएगा सैलरी, सैलरी है 4,800 ये वाला, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800 बाय पीएल एप्रो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800, बस देख के तुम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर। उसके बाद फिर से बाय पीएल एप्रो शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाय पीएल एप्रो शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,470 और एक ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट था तो वो तो डेबिट साइड में आ रहा है क्रॉस पोस्टिंग में, टू पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 240 और 300 हो गया। सारी चीज हम लोगों ने पोस्ट कर दी। अब यहाँ पर एक ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। ये देखो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 8,000 10,000, इसका एंट्री क्या होगा, ड्रॉ करने से एंट्री क्या होता है, ड्रॉ करने से देखो नॉर्मली एंट्री हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करते हैं, ठीक है। अगर ये पार्टनर के थ्रू से होगा तो ड्रॉइंग्स के जगह हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, करेंट अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। जैसे कैपिटल डेबिट या क्रेडिट होगा वैसे यहाँ पर भी होगा, तो करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो। तो यहाँ पर हो जाएगा 8,000 का ड्रॉइंग्स और यहाँ पर हो जाएगा 10,000 का ड्रॉइंग्स। तो इनका क्लोजिंग कैपिटल यानी क्लोजिंग करेंट अकाउंट क्या दिखेगा, ये कैपिटल नहीं है करेंट अकाउंट, मतलब बिजनेस का इंपैक्ट इन पे क्या है। तो देखो बिजनेस करके कितना कितना जो है इनकम हुआ है, तो अगर राम का देखे 3,000, ये हो जाएगा 13,470 इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, लेकिन इनको इंटरेस्ट देना पड़ा 240 और विथड्रॉल हुआ 8,000, तो 8,240 लेस कर देंगे यहाँ पर 8,240 लेस करना पड़ेगा 5,230 बैलेंस करके आ रहा है 5,230, ये इनका जो है करंट अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है और ये हो जाएगा 10,470 प्लस 4,800 प्लस 1,800 17,070 माइनस 10,300 6,770, ठीक है। तो इतना करेंट अकाउंट में बैलेंस रह रहा है, ठीक है। तो हमें जैसा क्वेश्चन में प्रिपेयर करने बोला था हम लोगों ने वैसा कर दिया। और मानो कि हमें ये नहीं बोला जाता
कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो हम लोग का एक ही अकाउंट बनता और ये करंट अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता, ये कैपिटल अकाउंट हो जाता, तो फिर ये यहाँ क्लोज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद ये सारे ट्रांजैक्शन हो जाते और एट लास्ट ये एंड में क्या आ जाता, ये 50,000 इसमें ऐड हो जाता, 55,230 और ये दिखता 36,770, ठीक है। अगर हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही करते, दो दो अकाउंट बना के टाइम वेस्ट कौन करेगा, ठीक है, टाइम बेकार होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर ये मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तब यहाँ पर, लेकिन करंट अकाउंट नहीं लिखते, वो भी याद रखना है कैपिटल। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ करंट और कैपिटल बनाने से नहीं होगा, यहाँ भी देखना है कि हम लोग करंट लिखे हैं कि नहीं। अगर करंट नहीं लिख रहे हैं और पोस्ट मान लो यहाँ कर दिया बट करंट नहीं लिखा कैपिटल लिख दिया तो गलत हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। ये हम लोग का कंप्लीट हुआ कि क्या बोल रहा है यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल, और ये नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। Illustration 7 बोल रहा है, with the help of some information given in same information given in illustration 6, let us prepare the capital and current account of Ram and Rahim. अच्छा वो तो मैंने बना ही लिया, यहाँ नहीं बोला था, मैंने खुद से बना लिया था, एक सेकंड, अच्छा शायद नहीं बोला था, चलो कोई बात नहीं, मैंने बना लिया, ठीक है। तो हम लोग का तो ये वाला हो ही गया। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 8 हम लोग कर चुके हैं, गारंटी जो है, गारंटी पार्टनर अगर कोई लेता है, किसी पार्टनर को एज ए गारंटेड पार्टनर प्रॉफिट देने के लिए लिया जाता है, तो ये हम लोगों ने कल ही किया था। ये वाला करेंगे इलस्ट्रेशन 9, देखो क्या बोला है, आरती भारती एंड कृति वेयर इन पार्टनरशिप इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3, their capital as on 1st April 2019 3,05,02,00। अच्छा इनका capital जो है दिख रहा है 1st April को 3,05,02,00, ये starting point नहीं है business का, ये पहले से business करते होंगे तभी बोल रहा है 1st April को इतना इतना show कर रहा है, start business with this one ऐसे नहीं बोला है। According to partnership deed बना हुआ है, तो जैसा लिखा हुआ है deed में वैसा follow होगा। Kriti is entitled salary 15,000 per month, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एन, ये भी देना पड़ेगा। आरती वॉज एंटाइटल टू रेंट 5,000 पर मंथ फॉर द प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू हर यूज फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। अब देखो बिजनेस करने के लिए किसी को अगर स्पेस का जरूरत हो तो वो तो रेंट ले ही सकता है, इसमें रेंट इन्होंने किससे लिया है, एक पार्टनर से ही ले लिया है, तो क्या ये मतलब मेरे कहने का ये है कि क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है क्या कुछ और है। अगर हम लोग रेंट लेना था हमें बिजनेस के लिए, ठीक है, लेकिन हमें कहां पर रेंट मिल गया, हमारे जो पार्टनर है उनके पास ही स्पेस पड़ा हुआ था तो उन्हीं से रेंट ले लिया, तो ये रेंट का एक्सपेंस कहां लिखना चाहिए, पीएल में या पीएल एप्रो में, रेंट का एक्सपेंस कहां लिखना चाहिए ये बताओ। पहला पॉइंट ये वाला बताओ मुझे, रेंट का एक्सपेंस कहां लिखे, पीएल में या पीएल एप्रो में। पीएल एप्रो में लिखा जाता है पार्टनर लोगों को अगर हम लोग कुछ भी पे कर रहे हैं या उनसे कुछ रिसीव कर रहे हैं, मतलब पीएल बनने के बाद का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन पीएल का मतलब है बिजनेस एक्सपेंसेस को दिखाना, ट्रेडिंग पीएल का मतलब। तो ये 5,000 पर मंथ का जो रेंट हम लोग आरती को दे रहे हैं, क्या ये पीएल में जाएगा कि पीएल एप्रो में जाएगा। मैम पीएल का आइटम है, हाँ ये पीएल में जाएगा, ये रेंट का एक्सपेंस पीएल में जाएगा, ठीक है। पार्टनर के पास था तो उन्होंने दे दिया, लेकिन है तो बिजनेस का एक्सपेंस। अगर आरती के पास नहीं होता तो कहीं ना कहीं से तो रेंट लेना ही पड़ता, क्योंकि जरूरत है, बोल तो रहा है कि इनको मतलब यहाँ दिखा रहा है कि 5,000 पर मंथ में रेंट लिया है, तो रेंट का जरूरत होगा, स्पेस का जरूरत होगा, तो इसका मतलब ये पीएल में जाएगा। लेकिन आरती का तो ये इनकम है, सोचो आरती का तो ये इनकम है, तो ये इनकम कहाँ दिखाएंगे, आरती का इनकम को कहाँ दिखाना पड़ेगा, मतलब इसका एंट्री सोचो। जैसे रेंट पे करने से क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखना पड़ेगा, कैश, बिजनेस का एक्सपेंस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, जिसका इंपैक्ट ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया बिजनेस का एक्सपेंस, पार्टनरशिप फर्म ने दिखा दिया। अब आरती के लिए क्या हो जाएगा, जब आरती का कैपिटल अकाउंट बनेगा तो आरती के कैपिटल में ये रेंट का पैसा ऐड होगा, ये पैसा जब पेमेंट होगा तो वो कैसे पेमेंट होगा, वो पेमेंट हो जाएगा आरती के
कैपिटल में एक्चुअली ये टू कैश के जगह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टू आरतीज कैपिटल, ठीक है, ये टू कैश के जगह हो जाएगा एस कैपिटल कर देते हैं आरती के जगह, ठीक है, एस कैपिटल मतलब उनके कैपिटल में जाके ऐड होगा, मतलब इंपैक्ट कहाँ दिखेगा, इंपैक्ट दिखेगा कैपिटल अकाउंट में, तो इसका मतलब क्या हो गया, आरती के पास स्पेस था, उसने वो स्पेस दे दिया, उसको उसको रेंट मिलता है, अब रेंट का इनकम वो कैसे रिसीव होता है, मैंने पहले ही बोला पार्टनरशिप में सारी चीज कैपिटल के थ्रू से, तो कैपिटल के थ्रू से रिसीव होता है, तो है ये बिजनेस का एक्सपेंस दिखेगा पीएल में, और इसका और एक बार जो इम्पैक्ट है वो हमें मतलब नेक्स्ट टाइम जो एंट्री है वो हमें कहाँ दिखेगा, वो उसके कैपिटल में दिखेगा कि हाँ उसका इनकम हुआ इससे, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स करने पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कृति वेयर डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। अच्छा रेंट जो पे किया गया है आरती को और सैलरी जो पे किया गया है कृति को, वो बोल रहा है कि डेबिट कर दिया गया है ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनर, उनके ड्रॉइंग्स अकाउंट में, क्या ये सही हुआ है, बोलो, रेंट का एक्सपेंस पे हुआ है आरती को, सैलरी का एक्सपेंस पे किया गया है कृति को, और वो दोनों दिखा दिया गया है उनके ड्रॉइंग्स अकाउंट में, मतलब रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, जो मैंने बोल ही दिया रॉन्ग गलती से, ठीक है। देखो तो एंट्री हुआ है ऐसा, ड्रॉइंग्स टू यहाँ पर बैंक, मतलब रेस्पेक्टिव पार्टनर के ड्रॉइंग्स, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं आरती ने ड्रॉ किया है वो पैसा बिजनेस से जो उसको रेंट के अकॉर्डिंग मिला है, और कृति को जो सैलरी मिला है वो उसने ड्रॉ किया है, क्या वो पर्सनल यूज के लिए किया है या फिर उनका इनकम हुआ है, बोलो क्या ये ड्रॉइंग्स इन्होंने सही किया है ट्रीटमेंट, क्या ड्रॉइंग्स दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, ड्रॉइंग्स तो तब होता है जब पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विथड्रॉल करता है, क्या ये ड्रॉइंग्स हुआ है, नहीं मैम ड्रॉइंग्स तो नहीं है, नहीं ये ड्रॉइंग्स नहीं है, ड्रॉइंग्स कैसे होगा, क्या वो पैसा वो पर्सनल यूज कर रहे, नहीं उसके पास प्रीमाइसेस था उसने रेंट दिया है, तो वो ड्रॉइंग्स कैसे हुआ, पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, वो तो बिजनेस का एक्सपेंस है रेंट का, तो बाहर से रेंट नहीं लेके आरती से ही ले लिया, तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तो आरती तो लैंड लेडी हुई ना, ठीक है, और उसी तरीके से अकाउंटेंट रख लिया जाता अकाउंट्स करने के लिए, बट इन्होंने कृति को रख लिया, मान लो अकाउंट्स के काम के लिए सैलरी दिया जाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या इनकम जो भी एक्सपेंस पे किया जाएगा कृति को सैलरी के लिए, क्या वो कृति का ड्रॉइंग्स है, कभी नहीं हो सकता है, वो उसका ड्रॉइंग्स है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने गलती किया है, उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद बोला है यहाँ पर भारती हैड विथड्रू 10,000 पर मंथ फॉर द बिजनेस, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑन होगा अमाउंटेड टू 4,60,000, बोल रहा है कि 4,60,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो चीज हमें प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इलस्ट्रेशन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां भी थोड़ा जगह रख लेते हैं। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है ये तो बोला है कि नेट प्रॉफिट, क्या लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब नेट प्रॉफिट का बात हो रहा है, ईयर एंडेड 31st March 2020 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले 4,60,000 है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट सही है, मेरा क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि इन्होंने एक गलती किया है, क्या किया है, आरती को जो रेंट पे किया है उसको रेंट माना ही नहीं, एक्सपेंस नहीं माना, उसको पार्टनर का ड्रॉइंग्स दिखा दिया, तो अगर पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स दिखाया है तो क्या इसमें रेंट का इंपैक्ट आया है, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने ये एंट्री किया ही नहीं रेंट टू आरतीस कैपिटल, ये एंट्री नहीं करके अगर मैंने कर रखा है गलती से ड्रॉइंग्स टू कैश, ठीक है, ड्रॉइंग्स टू कैश या बैंक, क्योंकि ड्रॉइंग्स दिखा दिया है, तो ये वाला जो पीएल अकाउंट हमारा बना होगा क्या उसमें हम लोगों ने रेंट का इंपैक्ट दिखाया होगा, सोच के देखो, अगर हम लोगों ने ड्रॉइंग्स टू कैश कर रखा है तो क्या हम लोगों ने पीएल का इंपैक्ट दिखाया होगा,
बोलो, मेरा क्वेश्चन ये है, देखो हम फिर से यहाँ पर दिखाते हैं, फिर से एक बार समझाते थे। एक्चुअली करेक्ट एंट्री मैम हमारा, हाँ बोलो 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 बोलो। वो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। हाँ मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, यानी रेंट इस पे चार्ज नहीं हुआ है ना। अगर मैंने रेंट को रेंट ट्रीट ही नहीं किया, है रेंट, बिजनेस का एक्सपेंस है, और हम बोल रहे हैं पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करते हैं इंडिविजुअल का, तब हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि अच्छा था तो बिजनेस का पर्सनल खर्चा, लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा था पर्सनल, बट बिजनेस अकाउंट भी ट्रीट कर दिया जैसे रेक्टिफाई करते, सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज्यादा दिख रहा होगा। अब देखो करेक्ट एंट्री हमारा क्या होना चाहिए, जो हम तुम लोग को दिखा रहे थे, ये देखो। एक्चुअली अगर हम लोग पार्टनर से रेंट ले रहे हैं, तो हम लोग का बिजनेस का तो एक्सपेंस है ही, रेंट 60,000 होगा। ये देखो ये बोला है ना 5,000 पर मंथ करके, यानी 5,000 इंटू 12 करके ये एंट्री होना चाहिए। रेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए मतलब हम आर के जगह ए यूज कर रहे हैं, ठीक है, 60,000। उसके बाद क्या एंट्री होना चाहिए, ये हो गया ड्यू एंट्री। अब जब पे होगा तब ऐसे एंट्री होना चाहिए, एज कैपिटल टू बैंक, ये तीन एंट्री के थ्रू से होगा यहाँ पर 60,000, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री ये होना चाहिए था पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये पूरा कंसेप्ट होना चाहिए था। अगर ये लोग ऐसा ट्रीट करते तो सही था, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारे एंट्रीज तो किए ही नहीं, ठीक है। इसका नेट एंट्री क्या हुआ, एक बार इसका नेट एंट्री बता दे, तब मुझे समझाने में थोड़ा और आसानी हो जाएगा। देखो रेंट टू एज कैपिटल, एज कैपिटल फिर एज कैपिटल डेबिट कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर रेंट और रेंट कैंसिल आउट, तो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है पीएल डेबिट टू बैंक, ठीक है, पीएल डेबिट टू बैंक। ये मैंने समझाने के लिए किया था, ठीक है, कि इसका नेट एंट्री एक एक लाइन में अगर हम लोग बोले सारे एंट्रीज का इंपैक्ट जो है अगर हम लोग न्यूट्रल करते जाए तो पीएल टू बैंक हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, ये सब तो किया ही नहीं, उल्टे यहां पर इन्होंने कर दिया है ड्रॉइंग्स टू बैंक, क्योंकि पर्सनल ड्रॉइंग्स कर लिया ना, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। अब अगर मुझे इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या करें, रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको रेक्टिफाई करना है तो पीएल को मुझे डेबिट करना पड़ेगा जो मैंने डेबिट किया नहीं है, ठीक है। बैंक गलती से भी क्रेडिट हुआ है, सही एंट्री में भी क्रेडिट होना चाहिए, बट ड्रॉइंग्स का कोई कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। तो ड्रॉइंग्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर कभी किए हो तो ऐसे ही होता है ना, ये करेक्ट एंट्री ये राइट एंट्री, तो जो करेक्ट एंट्री जो भी हो चुका है डेबिट हो या क्रेडिट उसको कुछ मत करो, पीएल डेबिट होना चाहिए पीएल डेबिट कर लिया, ड्रॉइंग्स हट जाना चाहिए, ड्रॉइंग्स डेबिट है ड्रॉइंग्स को क्रेडिट कर दिया, ड्रॉइंग्स हट गया, ऐसे करके हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब ड्रॉइंग्स टू बैंक कर रहे हैं तो हमारे पीएल में उसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जब हम लोग पीएल एप्रो लिखेंगे तो उसे कैसे दिखाएंगे, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बाई पीएल नेट प्रॉफिट बोल के यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को 4 लाख, 60,000 लेस हो जाएगा। उसका हम यहाँ पर दिखा देते, एक वर्किंग नोट यहाँ दिखा देते थे कैसे होगा, यहाँ एक वर्किंग नोट बनाते हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर पीएल को रेक्टिफाई कर रहे हैं तो जो रॉन्ग पीएल है वो कुछ ऐसा है बाई नेट प्रॉफिट बोल के, ये देखो 4,60,000, यहाँ पर हम लोगों ने अपना रेंट का खर्चा नहीं दिखाया है, तो ये लिख लेंगे टू रेंट। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, टू रेंट, कितना अमाउंट है हम लोग का, टू रेंट बोल के हम लोग का है 60,000, ठीक है, रेंट हमें लिखना पड़ेगा 60,000 अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर हो गया हम लोग का 60,000, ये लिखा नहीं था, लिखने पे हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर ब्रॉड डाउन कितना करेंगे, 4 लाख, ठीक है, ब्रॉड डाउन 4 लाख को ही करेंगे। अच्छा अब इसके बाद और क्या क्या ट्रांजैक्शन बोला था यहाँ पर, अच्छा यहाँ बोला कि विथड्रॉल कर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड, ये हम लोगों ने सही कर लिया। अच्छा उसके बाद बोला है कि कृति का जो प्रॉब्लम हुआ था, कृति का जो सैलरी है उसको भी इन्होंने ड्रॉइंग्स दिखा दिया, तो वो भी हम तुम लोग को यहाँ पर लिख के दिखाते हैं क्या होना चाहिए और क्या गलत किया है। अच्छा अगर देखो कृति को हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए, सीज सैलरी अकाउंट डेबिट, मतलब जिसको भी सैलरी दे रहे हैं, सीज सैलरी लिखो या सैलरी अकाउंट डेबिट लिखो, एक ही बात है, टू
सीज कैपिटल, उसके कैपिटल में जाके क्रेडिट होगा सैलरी का अमाउंट, कितना हो जाएगा 1,80,000। देखो 12 मंथ्स के लिए है 15,000 करके, चेक कर लो 15,000 करके 12 मंथ्स के लिए। तो एंट्री क्या होना चाहिए, सैलरी टू सीज कैपिटल या सीज सैलरी, मतलब कृति सैलरी, और उसके बाद पेमेंट जब होगा तो सीज कैपिटल टू बैंक 1,80,000 और एंड में हो जाएगा पीएल अप्रूव। ठीक है, यहां पर पीएल नहीं होगा, ये पीएल अप्रोप्रिएशन है। क्यों, ये पार्टनर को हम लोग सैलरी दे रहे हैं वो अलग होता है, और पार्टनर का प्रीमाइसेस, क्योंकि ये पार्टनर को सैलरी देना है कि नहीं देना है वो, लेकिन डीड में लिखा हुआ होता है तो ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग किसी स्पेस को रेंट में लेके बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट का थोड़ी ना कुछ है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं। ये तो बोल रहा है कि मार्केट में हमें ढूंढना ही नहीं पड़ा घर, क्योंकि आरती के पास ही पड़ा हुआ था जगह, तो वहीं पर हम लोगों ने रेंट ले लिया। लेकिन है तो बिजनेस का एक्सपेंस, लेकिन पार्टनर को दिया गया सैलरी, मतलब प्रॉफिट के अलावा अगर हम लोग पार्टनर को कुछ दे रहे हैं स्पेसिफिकली तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। ठीक है, लेकिन ये रेंट वाला बात अलग है। रेंट वाला बात ये नहीं है कि आरती अगर नहीं होती बिजनेस में या फिर उनके पास स्पेस नहीं होता तो भी रेंट लेना पड़ता। ठीक है, लेकिन सैलरी तो बोला हुआ है तभी दे रहे हैं, अगर डीड में नहीं बोला हुआ होगा तो नहीं देंगे, लेकिन रेंट तो हमें देना ही है। अब आरती स्पेस जो है प्रोवाइड करेगी तो उसको दे देंगे, कोई और प्रोवाइड करेगा तो उसको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पीएल अप्रूव होना चाहिए, पीएल अप्रूव टू यहाँ पर हो जाएगा सैलरी। ठीक है, सी सैलरी, ये एंट्री होना चाहिए, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए, ये जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका नेट अगर देखें, इसका नेट क्या हो जाएगा, सैलरी और सैलरी कैंसिल आउट, कैपिटल कैपिटल कैंसिल आउट, पीएल अप्रूव टू बैंक, पीएल एप्रो टू बैंक, इसका नेट हो जाएगा। जबकि इन्होंने ये देखो, ये सेम ही है। ठीक है, इस इन्होंने क्या कर दिया है, ड्रॉइंग्स, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया है, यहाँ पर रॉन्ग लिख के दिखाते हैं, रॉन्ग एंट्री कर दिया है, ड्रॉइंग्स टू बैंक 1,80,000। अब अगर इसको सही करना हो तो क्या करेंगे, पीएल एप्रो रेक्टिफाई, पीएल एप्रो डेबिट होगा, ड्रॉइंग्स क्रेडिट 1,80,000। ठीक है, मेरा स्पेस थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन ये जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग का कैसे करके रेक्टिफाई होगा। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा इसको लिख लो अच्छे से। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो मैंने रेक्टिफिकेशन तो दोनों देख लिया क्या करना है, अब हम लोग पीएल अप्रूव में ध्यान देते हैं। हम लोग को रेक्टिफाइड प्रॉफिट मिल गया, अब इसमें इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पीएल अप्रूव का आइटम है, तो ये पीएल में 4,60,000 में ये जो रेक्टिफिकेशन हुआ उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो पीएल अप्रूव का आइटम है। म्यूट कर दो, अनम्यूट हो गया शायद। अच्छा, अब देखो क्या यहाँ पर क्या क्या पे होगा, सबसे पहले कृति को सैलरी पे करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं टू सीज कैपिटल, हम ना कृति और ये आरती की जगह एबीसी इस तरीके से यूज कर रहे हैं, टू सीज कैपिटल सैलरी। ठीक है, सैलरी दे रहे हैं 15,000 × 12, ये हो जाएगा 1,80,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऐसे लिखते रहे, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा, एस कैपिटल फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीस कैपिटल, इस तरीके से लिखते रहे, ए बी सी, आरती भारती कृति। ठीक है, तीनों का कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल कितना है 3,00,000, 5,00,000, 2,00,000, ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा 12% ऐसे बता दिया था, तो 3,00,000, 5,00,000, 2,00,000। अच्छा, इंटरेस्ट कितना बोला है 12%। ठीक है, और कितने दिन के लिए जो है इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ टाइम ड्यूरेशन वगैरह तो नहीं बोला है, तो 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर। ठीक है, बेसिकली 1 ईयर मल्टीप्लाई कर लो, पूरे 1 ईयर का हो जाएगा, तो 12 × 3,00,000, 36,000, 12 × 5,00,000, 60,000, अच्छा 12 × 2, 24,000, और इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स, और कुछ नहीं देना है। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट,
ABC तो प्रॉफिट कितना है उसके लिए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पर पहले 4 लाख टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख और 1,80,000, ये हो गया 30 और 20, 60, 30, 90, 90 और यहाँ पर हो गया 10,000, 1,02,000 आई थिंक. देख लेते हैं 36, 60 और 24, 1,20,000 और 1,80,000 मतलब 3 लाख हो जाएगा. 3 लाख से 4 लाख हटा देते 1 लाख हो जाएगा. ठीक है, 1 लाख आ रहा है प्रॉफिट टोटल, 1 लाख आ गया. अच्छा अब यहाँ पर लिख लेते हैं 4 लाख और इनका डिस्ट्रीब्यूट भी दिखाएंगे कितना करके हो रहा है. उसके लिए रेशियो चाहिए 3:4:3, तो 3/7, 4/7 और 3/7. सी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 4/7, 3:4:3, ओ 10 हो रहा है, 3/4/3, 10 होगा, 10, 10, 10, 10. अच्छा अब 10 डिवाइड करो, 1 लाख से 10 डिवाइड करने से 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 इंटू 3 30,000. ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मेरा इधर उधर हो गया, 1 लाख हो रहा है. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन निकाल लिया जो हमें क्वेश्चन में करने के लिए बोला था. अब बोला है कि कैपिटल भी बनाओ, तो कैपिटल आरती भारती कृति, आरती भारती कृति, तुम लोग पर्टिकुलर्स वगैरह सब लिख सकते. बाय बैलेंस बीटी, इनका ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल यहां से देख के लिख ले रहे हैं, 3 लाख 5 लाख 2 लाख, 3 लाख 5 लाख 2 लाख. अच्छा और कैपिटल में इनको क्या क्या एड ऑन हुआ, कैपिटल में सबसे पहले इनको मिला सैलरी बाय पीएल अप्रूव, एक जन को मिला है, हम लोग लाइन बाय लाइन ही लिखते हैं ताकि कुछ भी हमारा छूट नहीं जाए. ये देखो कृति को मिला है 1,80,000, यहाँ पर लिख लेंगे 1,80,000. अच्छा बाकी सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तो बाय पीएल अप्रूव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, 60 और 24, 60,000 और 24,000, और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 30, 40, 30, ये इधर लिख लेते हैं, बाय पीएल एप्रो शेयर ऑफ प्रॉफिट 30, 40, 30. अच्छा और बिजनेस करके आरती को जो है, ये देखो ये वाला एंट्री, ये जो है ना, ये देखो आरतीस कैपिटल टू, ये वाला रेंट टू आरतीस कैपिटल, तो ये रेंट का पैसा भी इसके कैपिटल में एड ऑन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यहाँ पर रेंट. ठीक है, रेंट बोल के 60,000 आ जाएगा आरती वाले कॉलम, बस और तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला. और जो ड्रॉइंग्स हुआ है उसको हमें लिखना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स यहाँ पर लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स. अच्छा ड्रॉइंग्स कितना हुआ है, भारती ने ड्रॉ किया है 10,000 पर मंथ करके फ्रॉम द बिजनेस, तो 10,000 पर मंथ यानी 12 मंथ्स का पूरे ईयर में ड्रॉ हुआ है, यानी 1,20,000 का टोटल विदड्रॉल हुआ. ठीक है, 1,20,000 का टोटल विथड्रॉल हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो का बन गया, और तो कुछ था नहीं इसमें. अब हम लोग इसका टोटल करेंगे. अब लॉजिक देखो क्या हो रहा है कि आरती ने 3 लाख इंट्रोड्यूस किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 36,000 मिला, मतलब 3,36,000 प्लस 30,000 का प्रॉफिट मिला, मतलब 3,36,000 प्लस 90,000 दोनों मिला के, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,26,000. टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर यहां पर हो जाएगा 4,26,000 आरती का क्लोजिंग कैपिटल 4,26,000. अच्छा भारती का देखते हैं 5 लाख कैपिटल 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अर्निंग 5 लाख और ये हो जाएगा 5,60,40 मतलब 6 लाख और विथड्रॉल किया है उसने 1,20,000 तो ये बच जाएगा 4,80,000 क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा 4,80,000. अच्छा यहाँ पर
2 लाख का कैपिटल था, सैलरी मिला 1,80,000 और 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा इसको ऐड कर लेते हैं, 3,80,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000, 4,34,000 क्लोजिंग कैपिटल. कोई भी डेबिट नहीं हुआ है किसी भी रीजन से कैपिटल, तो 4,34,000 ही हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल रह जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला अकाउंट जो है बन जाएगा. देखो हमें यही दो अकाउंट बनाने के लिए बोला था, एक बोला कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ. लेकिन हम एक एक्स्ट्रा चीज करवा देते हैं, अगर इस क्वेश्चन में मान लो तुम लोग को बोला कि ड्रॉइंग्स अकाउंट भी बनाओ, ड्रॉइंग्स अकाउंट तो कैसे बनेगा ये देखो. पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट अगर बता दे तो आरती भारती और कृति, आरती भारती और कृति. ठीक है, अच्छा अब उसमें देखो हम लोग फिर ये एंट्रीज का यूज करेंगे, क्योंकि ड्रॉइंग्स हम लोग का जो है ड्रॉइंग्स बोल के कुछ होना ही नहीं चाहिए था, बट इन्होंने ड्रॉइंग्स लिख दिया तो इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा. देखो ड्रॉइंग्स क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉइंग्स बोल के इन्होंने जो पर्सनल एक्सपेंसेस दिखा दिए हैं वो तो हम लोग का बिजनेस का एक्सपेंसेस था. ठीक है, तो अगर हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाएंगे तो हमें रेक्टिफिकेशन पता चलेगा. तो देखो ड्रॉइंग्स टू हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो रहा है, पीएल टू ड्रॉइंग्स, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पीएल टू ड्रॉइंग्स तो बाई पीएल. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 60,000 आरती वाला जो है ये हम लोग का रेक्टिफिकेशन था, और यहाँ पर कितना हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन है टू ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स में लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन वन लैख 80,000. और एक ड्रॉइंग्स है जो कि सही हुआ है बट है तो ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएगा. ये देखो भारती का कैपिटल ड्रॉइंग्स, ये तो ओरिजिनली ड्रॉइंग्स ही था 1,20,000, तो वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा. इसका एंट्री क्या हुआ है देखो, भारतीज कैपिटल टू ड्रॉइंग्स. ठीक है, तो ड्रॉइंग्स में क्या लिखेंगे बाय भारतीज कैपिटल, यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000. ठीक है, अब इसको जब हम लोग क्लोज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक. ठीक है, टू बैंक यहाँ पर क्लोज करने से टू बैंक क्यों हो रहा है वो भी बता देते हैं. 60,000 यहाँ पर लिख देंगे 60,000, ये भी क्लोजिंग हो गया 60,000. ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000, यहाँ भी हो जाएगा 1,20,000 1,20,000 और ये 1,80,000, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1,80,000. अच्छा अब ये तो देखो समझ में आया होगा तुम लोगों को कि अगर हमें ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाने भूलेगा तो ये सारी एंट्री का हमें जो है पोस्टिंग दिखाना पड़ेगा जो रेक्टिफिकेशन हुआ, क्योंकि ड्रॉइंग्स में गलत हुआ था ना. देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया था, सिंपल क्वेश्चन में क्या बोला था एक बार फिर से देख लो, बोला था कि तीन पार्टनर था, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3, 1 अप्रैल को कैपिटल इतना था, डीड के अकॉर्डिंग कृति को सैलरी मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को मिलेगा, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा और आरती को 5,000 पर मंथ करके देना पड़ेगा रेंट का एक्सपेंसेस जो कि पीएल का आइटम है, लेकिन जो पार्टनर लोगों को जो भी एक्सपेंस पे हुआ वो दोनों एक्सपेंसेस को ड्रॉइंग्स दिखा दिया गया जो कि गलत है, और भारती ने 10,000 विथड्रॉल किया है. हम लोग को बोला प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो 4,60,000 है, 4,60,000 में हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि अगर रेंट के पैसे को हम लोग पार्टनर्स का पर्सनल एक्सपेंस दिखा रहे थे वो तो गलत हो गया, तो ये जो है ये गलत है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट दिख रहा है रेंट का वो लेस करके हम लोगों ने प्रॉफिट को रेक्टिफाई किया. हम लोग को बोला पीएल एप्रो बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पीएल एप्रो जब बनाएंगे तो पार्टनर को क्या क्या देना है वही हमें चेक करना पड़ेगा. तो पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को मिलेगा वो हम लोगों ने पे किया, पार्टनर को क्या मिलेगा सैलरी जिसको मिलना चाहिए वो मिल जाएगा. ठीक है, अच्छा रेंट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि रेंट जो है ये कोई डीड के अकॉर्डिंग वाला आइटम नहीं है, ये हम लोग का बिजनेस का एक्सपेंसेस है. और क्या मिलेगा, और यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन में वही किया, ये देखो पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया,
पीएल अप्रोप्रिएशन में सैलरी दिखा दिया और प्रॉफिट दिखा दिया, उसके बाद हमें बोला था कि कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, ठीक है, पीएल अप्रो बन गया, अब बोला कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो हम लोगों ने क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल लिखा जो था पार्टनर लोगों का, और ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस करके किसी को सैलरी मिला, किसी को, तीनों को प्रॉफिट मिला, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पीछे प्रॉफिट है, ये देखो प्रॉफिट है, और रेंट का आइटम यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि रेंट का आइटम जो है रिसीप्ट जो अमाउंट होगा वो आपके कैपिटल के थ्रू से होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। फिर ऐड करके यहाँ एक पार्टनर का ड्रॉइंग्स था वो भी दिखा दिया, फिर ऐड करके हम लोगों ने देखा कि क्लोजिंग कैपिटल कितना बन रहा है। अब अगर हम एक बाय चांस बोल दे कि पार्टनर का ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाओ, तो ओरिजिनली ड्रॉइंग्स कितना है, भारती का तो इतना ही है 1,20,000, और बाकी लोगों का जो भी हम लोग का गलत हुआ था, ठीक है, उसका हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो एंट्री क्या हो गया हम लोग का, ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री मैंने यहाँ पर रेडी किया पीएल टू ड्रॉइंग्स, ये एक्चुअली होना चाहिए, तो ये यहाँ पर रेक्टिफिकेशन करने के बाद जो भी अकाउंट में उसका पोस्टिंग होगा वो तो करना पड़ेगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बना रहे तो ड्रॉइंग्स में बाई पीएल और बाई पीएल एप्रो दोनों पोस्ट हो गया, और जो ओरिजिनल ड्रॉइंग्स है वो हम लोगों ने दिखा दिया, और ये टू बैंक बोल के क्लोज हो रहा है। अब टू बैंक बोल के क्यों क्लोज हो रहा है उसका रीजन देखो, जैसे अगर ड्रॉ होता है तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबसे पहली एंट्री ऐसे होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पर जो ड्रॉ करेगा, मैंने भारती का दिखाया क्योंकि ओरिजिनली उसने ही ड्रॉ किया है, और यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद ड्रॉइंग्स टू बैंक 1,20,000, ठीक है। तो ये देखो जब ड्रॉ होता है ओरिजिनली तो एंट्री क्या होता है, कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, पहले ये एंट्री हो जाएगा, और जब विदड्रॉल हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज हमारा पहले ड्यू होता है फिर उसका इंपैक्ट आता है, जैसे अगर किसी को सैलरी पे करना है तो सैलरी टू मिस्टर ए, फिर क्या हो जाएगा मिस्टर ए टू कैश, ठीक है, हम लोग उसका नेट करके बोलते हैं सैलरी टू कैश, लेकिन पहले ड्यू उसके बाद पे, तो पहले कैपिटल डेबिट, क्योंकि कैपिटल कम होगा ड्रॉ करने से, फिर जब ड्रॉइंग्स करेंगे तो ड्रॉइंग्स टू बैंक, तो बेसिकली देखो ये और ये कैंसिल आउट होके क्या एंट्री आया, बी इज कैपिटल टू बैंक, ठीक है, इसीलिए जो भी ड्रॉइंग्स होगा वो इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, ठीक है, बी इज कैपिटल टू बैंक बोल के हम लोग का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 60,000 ये न्यूट्रल हो गया, देखो पीएल, ये पहले एंट्री क्या आया पीएल डेबिट टू ड्रॉइंग्स, ये रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग का आया पीएल डेबिट टू बैंक बोल के 60,000, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो गया, देखो ये देखो इसका एंट्री क्या होगा, पहले हुआ पीएल टू ए 60,000, फिर एंट्री क्या हो जाएगा, फिर एंट्री हो जाएगा यहाँ पर ए टू बैंक, ठीक है, ए टू बैंक, तो ये देखो 60 ए और ए कैंसिल आउट, इसका इंपैक्ट देखो ए और ए कैंसिल आउट, तो क्या हो गया पीएल डेबिट टू बैंक, वही तो करना था हमें, तो पीएल में ही चार्ज करना है अपना 60,000 जो उसका रेंट था वो हम लोगों ने किया भी, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया भी है उसका इंपैक्ट 60,000, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री को यहाँ पर दिखाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। और ये देखो ये वाला जो था पीएल एप्रोप्रिएशन जो सैलरी दिया गया, तो उसका एंट्री कैसे आया, उसका एंट्री ऐसे आया पीएल एप्रोप्रिएशन टू यहाँ पर हो जा रहा है सीज कैपिटल, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन टू सीज कैपिटल 1,80,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्रॉस होके क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जब क्लोज हो रहा है तब हो रहा है सीज कैपिटल टू बैंक 1,80,000, ठीक है। तो ये कैपिटल कैपिटल कैंसिल आउट, टू बैंक मतलब ये एप्रोप्रिएशन मतलब 1,80,000 का हम लोग का एक्सपेंस हो रहा है, किस वजह से, सैलरी की वजह से, सी के सैलरी की वजह से, तो सही बात है एक्सपेंस ही तो है कि हमें पीएल एप्रो में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पीएल एप्रो से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, वो हम लोग दिखा चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और एंट्री भी देखो ना क्या होता है सीज सैलरी टू सीज कैपिटल, तो वो तो हम लोग यहाँ पोस्ट कर रहे हैं सी, ये देखो सीज सैलरी टू सीज कैपिटल, उसके बाद सीज कैपिटल टू बैंक और पीएल एप्रोप्रिएशन टू सीज सैलरी, वो तो यहाँ पर लिख रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन टू सी सैलरी लास्ट वाला, लेकिन उसके पहले तो दो एंट्री होगा ना,
एक हम लोग का होगा सीज सैलरी टू सीज कैपिटल, फिर सीज कैपिटल टू बैंक जब पेमेंट होगा, तो ये रेक्टिफाई होके वो पेमेंट वाला जो मिसिंग हो रहा है वो आ जा रहा है। तो अगर हमें ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाने के लिए बोले तो तुम लोग इस तरीके से क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोला नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया, अगर ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलेगा तो इस तरीके से ये काम करेगा। बाकी रेक्टिफिकेशन एंट्री का भी जरूरत नहीं है हमें, तो जस्ट यहाँ पर अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ही कर लेते हैं 4 लाख जैसे यहाँ किया है, तो बाकी रेक्टिफिकेशन का इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए हो सकता है कि बोल दे कि इसको बनाओ, ठीक है, इसलिए। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये जो हम लोग का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पर वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।